हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आई होप ऑल फाइंडिंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको जो है ग्रेडियंट टूल के बारे में सारा डिटेल बताने वाला हूँ। ग्रेडियंट टूल का क्या यूज़ है और कैसे जो है कलर ऑफ कॉम्बिनेशन का आपको यूजेस करना है एडोब इलस्ट्रेटर में, तो वो सब आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और Adobe Illustrator का प्रीवियस जो है क्लासेस अगर आप अभी तक मिस कर चुके हो तो आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप Adobe Illustrator का सारा जो है ट्यूटोरियल्स को चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक बात, अगर आप मेरे वेबसाइट में विजिट नहीं किए हो तो www.tdmentor.isro.com यहां पे भी ज़रूर विजिट कीजिए। तो चलते हैं वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी जो है हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे हैं, और आज जो है इस वीडियो के थ्रू मैं जो है आपको Adobe Illustrator में कैसे ग्रेडियंट यूज़ करना है, जो कि यहाँ पे आपको एक कर्सर जहाँ पे मैं रखा हुआ है यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये ग्रेडियंट टूल है, और इसके साथ मेश टूल भी है जो कि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको समझाऊँगा। तो ये जो है आप देखिए, कर्सर लेके जाने पे आपको ग्रेडियंट टूल दिखा रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू ग्रेडियंट टूल को समझेंगे। उससे पहले मैं जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ताकि हम लोग इसको फिल करेंगे कलर से, और उसके बाद मैं आपको ग्रेडियंट टूल का यूज़ बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये फिल है, ये स्ट्रोक है, लास्ट दो वीडियो में मैंने बता दिया है, अगर आप अभी तक चेकआउट नहीं किए हो तो आई बटन पर लिंक है। तो हम लोग जो है इसका फिल को स्वाचेस यूज़ करके एक ऑरेंज कलर दे देते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, इसको जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये एक ब्लैक स्ट्रोक है, बॉर्डर है, और ऑरेंज कलर का जो है फिल है जो कि मेन कलर है। अभी इसके बाद ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट है कलर ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिसमें आप एक से ज़्यादा कलर को यूज़ करके जो है आप कोई भी कलर ऑफ कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप किसी में फिल करते हो। तो उसके लिए ग्रेडियंट क्लिक करके अगर आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ऐसे जो है आपको एक लाइन दिखेगा जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में दो कलर का सर्कल दिख रहा होगा। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक लाइन दिख रहा है जिसका स्टार्टिंग में वाइट कलर का एक डॉट दिख रहा है, मतलब एक सर्कल दिख रहा है जो कि ये वाला है, और एंड में एक ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है। ये जो है आपका कलर से, ये वाइट कलर है, वो ब्लैक कलर है। तो अभी इसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट स्वेचेस, जो स्वेचेस मतलब डिफरेंट कलर्स, लेकिन सारे कलर्स नहीं होंगे, कुछ कलर्स का कॉम्बिनेशन मैंने कुछ कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ ब्लू सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो है आपका ब्लू आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे तो दूसरा कलर करूँगा तो दूसरा आ जाएगा। और आपको जैसे पता है आरजीबी कलर से भी आप एडजस्ट करके ये कलर को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कीजिए। और ड्रॉप वाला में करके आप कहीं से भी आप कलर को उठा सकते हो अपने हिसाब से आई ड्रॉप टूल से। तो ये जो है तीन चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। कोई भी मतलब ग्रेडियंट में यहाँ पे आपको वाइट है, आपको कलर चेंज करना, जैसे यहाँ पे ब्लैक है तो इसे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी कलर उठा लो। यहाँ से मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, तो देखिए ये जो है ऑरेंज हो गया, ब्लू, वायलेट, जो भी ब्राउन, ऑरेंज, येलो, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। और इसका आरजीबी वैल्यू से भी आप जो है इसका कलर एडजस्ट कर सकते हो, और नहीं तो इसका जो है आई ड्रॉप टूल से भी आप यूज़ करके कोई भी कलर को यहाँ से उठा सकते हो। मैंने आई ड्रॉप लिया तो देखिए वाइट हो गया, क्योंकि दोनों एंड में वाइट है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कलर आप यूज़ करोगे दो एंड में, वो कलर जो है आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा दो का। अभी इसके बाद मैं और एक चीज़ जो आपको बताता हूँ, इसे सिलेक्ट करके जब आप ग्रेडियंट करोगे तभी लाइन शो होगा, लेकिन यहाँ पे एक आपको डॉट दिख रहा होगा, एक स्क्वायर दिख रहा होगा बीच में, ये क्या है?
इसको अगर आप ड्रैग करते हो लेफ्ट में तो देखिए राइट साइड का जो है कलर ज़्यादा हो गया, और अगर आप राइट में ड्रैग करते हो तो लेफ्ट साइड का वाइट कलर ज़्यादा शो हो रहा है। ये एडजस्ट करने के लिए होता है, अगर आपको जो साइड में ज़्यादा वाइट चाहिए इस हिसाब से, ये कलर हिसाब से, तो उसका ऑपोजिट में ड्रैग कीजिए ताकि जो साइड में चाहिए आपको वाइट ज़्यादा वो साइड में वाइट ज़्यादा हो जाए, इस साइड ड्रैग करोगे तो ये साइड रेड ज़्यादा होगा। इससे आप यूज़ करके कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अभी इसके बाद और एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि आप अगर इसको देखिए यहाँ पे अगर आप लेके जाते हो कर्सर, एक तो प्लस सिंबल दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करोगे तो और एक जो है कलर आ जाएगा। यहाँ पे अभी दो था प्रीवियसली, अभी तीसरा है, और यहाँ से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे वायलेट ले लेता हूँ, सॉरी डार्क ब्लू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए तीन कलर का कॉम्बिनेशन बन गया। अभी और एक लेना है, और एक यहाँ पे जाइए सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे और एक कलर हम लोग जो है सिलेक्ट कर लेते हैं पिंक। तो यहाँ पे ऐसे आप जो है जितना चाहो जितना मर्जी चाहो उतना कलर ले सकते हो और कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यहाँ पे मैं देखिए 3, 4, 5 और ऐड कर चुका हूँ। तो ऐसे आप कर्सर लेके जाओगे, प्लस का सिंबल दिखाएगा और आप सिलेक्ट करोगे तो एक और बन जाएगा कलर, और आप वो कलर को अपने हिसाब से चूज कर सकते हो डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके, और इसके बाद एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी हर कलर को आप जो है ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए हर कलर का बीच में एक डॉट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रीवियसली दो कलर था तो एक डॉट दिख रहा था बीच में, क्योंकि दो कलर के बीच में एक डॉट हो गई। इसको अगर मैं सिलेक्ट करके इस दोनों कलर के बीच में ड्रैग करता हूँ तो देखिए इस साइड थोड़ा ज़्यादा पिंक हो रहा है क्योंकि ये साइड पिंक है, तो यहाँ से मैं करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज हो रहा है। तो इसका मतलब दो कलर के बीच में जो भी डॉट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस साइड में ज़्यादा ब्लू रखना है यहाँ पे देखिए ज़्यादा वायलेट रखना है, ये अपने हिसाब से आप जो है इसे एडजस्ट कर सकते हो। वो एडजस्ट के लिए ही बेसिकली जो है हम लोग वो डॉट को यूज़ करते हैं, ऐसे आप जो है एडजस्ट कर सकते हो कलर का। अभी इसके बाद जो है मैं और एक चीज़ जो है आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे दो एंड में ये लाइन का दो एंड में, एक फर्स्ट एंड में देखिए एक ब्लैक स्क्वायर डॉट दिख रहा है, और इसका ही आगे हम लोग जूम आउट करके यहाँ पे जूम इन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक डॉट दिख रहा है, ब्लैक डॉट। ये दो का क्या काम है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, यहाँ पे अभी इसका मैं बताता हूँ। अगर आप चाहे तो इसे सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो और इसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हो। देखिए पहले मैं बता देता हूँ मूव का, इसे सिलेक्ट करके आप इधर मूव करोगे तो देखिए ये जो है मूव होते चल रहा है, मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ के जैसे मूव करते हो ऐसे ही कलर को पकड़ के आप मूव कर रहे हो तो इस साइड का जो वाइट कलर है वो वाइट कलर रह रहा है। अभी वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसको पकड़ के आप अगर ड्रैग करते हो तो ये मूव नहीं होगा, लेकिन ये जो है स्ट्रेच होगा। इसे आप पकड़ के ड्रैग करोगे तो ये स्ट्रेच होगा, कलर ऑफ कॉम्बिनेशन जैसे देख रहे हो कि स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन इसे पकड़ के करोगे तो ये जो है मूव करेगा। तो यही जो है दोनों में डिफरेंस है, आप इसे भी वही एडजस्ट करने के लिए ही यूज़ करते हो बेसिकली, और किसी का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये सब का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक टर्न करने का भी ऑप्शन देता है, जब आप ये एंड में लेके आओगे कर्सर तो ये एक रोटेशन वाला सिंबल दिखाएगा और उसी को पकड़ के आपको जो है टर्न कर सकते हो, और उसके बाद कहीं पे भी ग्रेडियंट अगर आपको रोटेशन में चाहिए मतलब कोई एंगल में चाहिए तो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारा जो है मेन पॉइंट है ग्रेडियंट का, ये सारा आपको ध्यान रखना है जब ग्रेडियंट का यूज़ करोगे, इसको छोड़ के बाकी कुछ नहीं है ग्रेडियंट से। और एक छोटा सा
कोड है कलर कोड वाला, मैं आपको बताऊंगा, लास्ट वीडियो में भी बताया था बेसिकली, आपको पता होगा। तो अभी मैं जो है एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाया हूँ। इस डिज़ाइन को अभी हम लोग जो है ग्रेडियंट कलर को यूज़ करके जो है फिल करेंगे और आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसको करने के बाद। ये ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ ग्रेडियंट टूल में क्लिक करके, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है एक लाइन शो होना शुरू कर देता है। अभी इसके बाद सिमिलरली इसे पकड़ के फिर ग्रेडियंट देता हूँ, इसे भी आके क्लिक करता हूँ, ये हो जाता है ग्रेडियंट। फिर इसे क्लिक करके फिर ग्रेडियंट ला के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये भी हो जाता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट बेसिकली जो है प्रीवियसली ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में रहता है। अभी हम लोग इसको कलरफुल बनाने के लिए यहाँ से कलर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ एक बढ़िया सा वेबसाइट है जहाँ से आप कलर उठा सकते हो, वो ग्रेडियंट के लिए ही स्पेशली बना है। तो यहाँ से तो आप स्वेचेस यहाँ पे डिफरेंट कलर है उठा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे दूसरा कलर भी आप ऐड कर सकते हो, और यहाँ से RGB वैल्यू को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक कलर कोड दिख रहा है, ये कलर कोड जो है मेन है। ये कलर कोड आप जो है एक वेबसाइट के बारे में मैं बताऊँगा, वहाँ से डिफरेंट कलर का कोड आप जो है लेके यहाँ पे पेस्ट करके वो कलर को आप यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग बैक, चलते हैं गूगल क्रोम में और वहाँ पे मैं जो है वेबसाइट के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ से मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, तो ये जो है वेबसाइट है uigradient.com। ये जो है आपको गूगल में uigradient मारो सर्च करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट है, और आप यहाँ विजिट करोगे तो यहाँ पे शो ऑल ग्रेडियंट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करोगे तो डिफरेंट जो है आपको कलर कॉम्बिनेशन जो है ग्रेडियंट है यहाँ पे मिलेगा। और ये ऐसा वैसा नहीं है, ये बहुत ही क्लैशी और बहुत ही सुंदर दिखने वाला जो है कलर आपको मिलेगा ग्रेडियंट कलर। आप मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये दो कलर कॉम्बिनेशन है जिसका कोड है ये और ये। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ये कोड को कॉपी करके मैं अपना ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करें कॉपी, फिर यहाँ से हम लोग जो है मिनिमाइज़ करके अपना जो है एडोब इलस्ट्रेटर में जाते हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ग्रेडियंट में कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए RGB वैल्यू में जाओगे तभी आपका कोड शो करेगा, और कोड को हटा के आप यहाँ पे जो है जो कोड आप कॉपी किए हो वेबसाइट से उसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो फिर हम लोग जो है मिनिमाइज़ करते हैं और इसका जो दूसरा कलर है यहाँ से उसका कोड जो है हम लोग याद रखिए, पूरा कोड कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ से आप जो है इसे सिलेक्ट कीजिए, इसे सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे RGB वैल्यू में आपको जो है शो नहीं हो रहा है कलर कोड वाला ऑप्शन। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है, ऊपर में 3 डॉट है इसे सिलेक्ट करोगे तो RGB वैल्यू दिखाएगा। बेसिकली प्रीवियसली ब्लैक एंड वाइट वाला रहता है ग्रेस वाला, अभी उसके बाद जो है हम लोग RGB वैल्यू सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर कोड जो है डाल देंगे जो हम लोग कॉपी किए हैं, और उसके बाद याद रखिए यहाँ पे RGB वैल्यू यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है रोटेट करके और एडजस्ट करके अपने हिसाब से जो है कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ध्यान देने वाला वही बात है कि RGB वैल्यू वाला अगर आप शो नहीं हो रहे तो वहाँ से RGB वैल्यू ले लीजिए, और यहाँ से आप जो शो ऑल ग्रेडियंट को क्लिक करके यहाँ पे डिफरेंट जो है ग्रेडियंट कॉम्बिनेशन जो है कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे ये वाला बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तो ये वाला हम लोग क्लिक करके यहाँ पे भी ये दो कलर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रैग करोगे तो जो है कॉपीड हो जाएगा अपने आप जो है ये कोड कॉपी हो जाएगा। अगर कॉपी नहीं भी होता है तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना कोड, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे बैक आइए, बैक आने के बाद इसे सिलेक्ट करके ग्रेडियंट वाला सिलेक्ट करोगे तो फिर लाइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो नहीं होगा कोड, तो उसके लिए क्या करना है ऊपर में जाना है, RGB वैल्यू सिलेक्ट करना है, RGB वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो कोड शो हो जाएगा, इसे बैक मैंने हटा के अपना जो है कोड डाल देना है। याद रखिए यहाँ पे
हैशटैग को हटा देना है क्योंकि प्रीवियसली हैशटैग दिया हुआ है। तो ये कलर जो है अपने आप आ गया। फिर इसका दूसरा कलर जो है इसे भी आप जो है कॉपी कर सकते हो, ऐसे करके राइट क्लिक करके कॉपी, और उसके बाद यहाँ से हैशटैग को कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हैशटैग पहले से यहाँ पे दिया रहता है। तो यहाँ पे जो है RGB वैल्यू सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग जो है कलर कोड को हटा के अपना जो है कलर कोड दे देंगे। तो ये देखिए दो कलर का कॉम्बिनेशन बन गया है। तो ऐसे जो है आप यूज़ कर सकते हो कलर कोड अपना जो है ग्रेडियंट, और भी अच्छा ग्रेडियंट कलर देने के लिए अपने ऑब्जेक्ट पे आप UI ग्रेडियंट वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, जो कि फ्री आपको कलर कोड प्रोवाइड करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कलर आपको शो करता है। आप अपना ऑब्जेक्ट में, अपना प्रोजेक्ट में आप वो ग्रेडियंट कलर्स को यूज़ कर सकते हो। अब सिमिलरली मैं तीसरा को भी सिलेक्ट करता हूँ, फिर ग्रेडियंट से पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ वेबसाइट पे। अभी जो है हम लोग ने दो कलर का कॉम्बिनेशन कर लिया, अभी जो है हम लोग तीन कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तो ये देखिए तीन कलर का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे डार्क ब्लू, फिर रेड, देन फिर लाइट ऑरेंज वाला आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम लोग तीनों कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं पहला कलर का कोड कॉपी कर लेता हूँ, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके ग्रेडियंट दबाता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है पहला कलर को यहाँ पे जाके ऊपर से RGB वैल्यू में यहाँ से कोड हटा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ। याद रखिए हैशटैग को हटा दीजिए याद से। फिर ये जो है पहला कलर हो जाता है। फिर इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, अभी जो है इसको मिनिमाइज़ करके वेबसाइट में जाता हूँ UI ग्रेडियंट कलर, और यहाँ से मैं सेंटर वाला कलर का कोड जो है कॉपी करता हूँ। यहाँ पे सेंटर में नहीं है तो कर्सर लेके जाइए, प्लस का सिंबल दिखाएगा, क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पे सेंटर में एक अगेन एक कलर के लिए ऑप्शन आ जाएगा, उसे आप जो है क्लियर करके यहाँ पे सेंटर वाला कलर जो है उसको पेस्ट कर लीजिए। ये पेस्ट करने के बाद सिंपल से बाहर क्लिक कर लीजिए, ये एक सेंटर वाला कलर आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर से वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ से जो है लास्ट कलर को कॉपी कर लीजिए। लास्ट कलर को कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे AI में आके यहाँ पे लास्ट कलर की जगह RGB नहीं शो हो रहा होगा, तो ऊपर में 3 डॉट शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे 3 डॉट में जाके RGB वैल्यू क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा RGB वैल्यू में कोड, और कोड को पेस्ट करके बाहर सिंपल से राइट क्लिक कर लीजिए। तो ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन बन गया है। इसे आप रोटेट करके, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, एडजस्ट के लिए जैसे कि दो कलर के बीच में एक डॉट आपको ऊपर शो हो रहा होगा, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। इसे ड्रैग करके भी आप जो है यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये वाला ब्लैक को ड्रैग करके आप थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर सकते हो। उसके बाद ये दो कलर के बीच में जो वाइट लाइन है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो वो कलर को भी आप पकड़ के अपना जो है डिलीट कर सकते हो। अगर देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं डिलीट किया तो डिलीट हो जाएगा, ऐसे आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर 3 कलर आप यूज़ कर चुके हो प्रीवियसली, आपको एक कलर डिलीट करना है, तो सिंपल उसको क्लिक करके डिलीट मार दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ग्रेडियंट आ जाता है, और उसके बाद यहाँ मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो ऐसे जो है आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो। अभी और एक चीज़, अभी मेरा प्रीवियसली ग्रेडियंट सिलेक्ट है, तो मैं ग्रेडियंट हटाने के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, फिर जाके फिल पे क्लिक करके यहाँ फिल में सिलेक्ट है, और यहाँ पे नन का ऑप्शन है, नन करोगे तो ग्रेडियंट हट जाएगा। और वंस ग्रेडियंट हट गया, उसी के बाद जो है देखिए मैं स्ट्रोक्स भी हटा दिया, फिल भी हटा दिया, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा फिल में ही ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके बाद ही आप कोई पर्टिकुलर एक कलर दे सकते हो। अगर आप ग्रेडियंट सिलेक्ट करके डायरेक्ट आप कोई भी एक पर्टिकुलर कलर यूज़ करोगे तो वो नहीं होगा, आपको पहले ग्रेडियंट को हटाने के लिए फिल सिलेक्ट करके उसे नन करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी बताया, उसी के बाद जो है आप कोई पर्टिकुलर कलर दे सकते हो, नहीं तो ऐसे असुविधा होता है।
तो याद रखिए यूआई ग्रेडियंट विजिट कीजिए वेबसाइट पे, और आप जो है अपना फेवरेट जो है ग्रेडियंट ऑप्शन ले लीजिए। यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे खूबसूरत ग्रेडियंट कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पे ऊपर में कोई भी कलर पे जाइए, आपको डिफरेंट बहुत सारे जो है आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जो कि आप अपना वर्क में, मतलब आपका प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। आज हम लोग जो है ग्रेडियंट टूल के साथ जो है कलर वाला क्लासेस को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है टेक्स्ट टूल के ऊपर जाएंगे और डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स और टेक्स्ट का जितना भी पार्ट है, पार्ट वाइज दो चार वीडियो बनेगा टेक्स्ट टूल को लेके, तो उसमें हम लोग टेक्स्ट के बारे में सारा डिटेल पढ़ेंगे। तो ऐसे ही चैनल में बने रहें, और अगर प्रीवियस वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्रीवियस वीडियो जाइए चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट है Adobe Illustrator का, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, इसी के साथ आज हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू।